पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी, लेकिन हर दिन इससे जुड़ी कोई ना कोई खबर या दावे सामने आ रहे। इस बीच धरने में शामिल पहलवान साक्षी मलिक और पहलवान से बीजेपी की नेता बनी बबीता फोगाट में ट्विटर पर जंग शुरू हो गया। दरअसल साक्षी ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें उन्होंने कहा कि धरने के लिए परमिशन बबीता फोगाट और बीजेपी नेता तीर्थ राणा ने दिलाई थी। वहीं बबीता फोगाट ने इस बार पलटवार किया है। बबीता ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। बबीता ने लिखा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। देखिए रिपोर्ट। साक्षी मलिक बबीता फोगाट में ट्विटर वॉर। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट में छिड़ी जुबानी जंग। किसी ने कहा कांग्रेस की कठपुतली तो किसी ने सरकार की गोद। पहले साक्षी मलिक और उनके पति ने बबीता को निशाने पर लिया, बबीता फोगाट ने साक्षी को दिया जवाब। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में मदद करने का विवाद थम नहीं रहा है। धरने की परमिशन दिलाने के साक्षी मलिक के दावे को बबीता फोगाट ने गलत करार दिया। दरअसल साक्षी ने कहा था उन्हें धरना देने के लिए कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि भाजपा नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया था। धरने की परमिशन भी उन्होंने दिलाई। इस दौरान साक्षी ने लेटर भी दिखाया था। बबीता के बारे में मैम मैं बोलना चाहूंगी, जो पहला प्रोटेस्ट है वो उसी की वजह से हमारा खराब हुआ और वो बोली कि मैं आश्वासन देती हूँ मैं सब ठीक करा दूंगा, सब धोखा हुआ और पता नहीं उसको क्या फायदा था कि उन्होंने उसने हमारा प्रोटेस्ट खराब कराया, जबकि बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो खाप पंचायत सब बोल रहे थे कि बेटा नहीं उठना है, ऐसे सरकार नहीं मानती है। तो लेकिन उसने हमें मैनिपुलेट किया, हमारे दिमाग के साथ खेला और हमारा जो है प्रोटेस्ट वो उठवा लिया उसने। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आप देख ही रहे हो 3 महीने पूरे हो गए, ऊपर हो गया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। वहीं अब बबीता ने कहा है कि मुझे बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो मेरी अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। कहा, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो, अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मनसा बता देनी चाहिए क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा है कि एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूं और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलो, समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उसके साथ आ रहे उन लोगों के पास दिख रहा था जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। देखिए, मैं हमेशा महिला और खिलाड़ियों के हमेशा साथ में खड़ी हूँ और पहले भी थी और आज भी हूँ। और खिलाड़ी के साथ में और जिसके साथ भी गलत हुआ है, हालांकि हमारी न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है कि हमारी न्यायपालिका जो है वो जनता जनार्दन जो है हमारे उनके समक्ष आएगा, जो भी फैसला आएगा सबके सामने होगा। क्या मैम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ आपकी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई? देखिए, मैं एज ए कमेटी मेंबर वहां पे थी तो मैं एज ए कमेटी मेंबर जो मेरा काम था बस मैंने उतना ही काम किया। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। वहीं सोनीपत भाजपा के अध्यक्ष तीर्थ राणा ने कहा कि धरने पर बैठे खिलाड़ी देश की शान है, उनकी न्याय की लड़ाई में पहले भी मैं उनके साथ था और आज भी उनके साथ हूं। अमित शाह अब इस मामले को देख रहे हैं, जो गैप पहले खिलाड़ियों और सरकार के बीच बना अब शाह ने उसको भरने का काम किया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अब खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूछे गए सवाल पर
बोले तीर्थ राणा ने कहा कि बीजेपी और सरकार पहले भी खिलाड़ियों के साथ थी और आज भी उनके साथ है। बता दें कि साक्षी ने बबीता को जवाब दिया, उन्होंने कहा वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोकाट पर तंज कसा था कि कैसे वो अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्य बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह कर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पति देव का वीडियो देख रही थी। उन्होंने आगे लिखा, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। बहरहाल जो मामला है वो आपके सामने है, बहरहाल यौन शोषण मामले में न्याय की लड़ाई में नया मोड़ है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।